सम्राट भाई। हाँ मैं सम्राट भाई। इंस्पेक्टर माधव, उस हीरे के हार के बारे में कुछ बताइए। वो हार तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ किसके पास है। थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं आप? आज सुबह मैं अपने दफ्तर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, मेरा स्टाफ वगैरह कोई आया नहीं था कि अचानक एक आदमी यहाँ पे आ पहुंचा। पेपर ही पढ़ते रहेंगे या खेल के मैदान में भी उतरेंगे? खोलो तुम। मैं चाहे कोई भी हूं, असल बात तो यह है कि आप सम्राट भाई हैं, हीरों के सौदागर और एक समझदार आदमी। तो इससे तुम्हें क्या? मैंने कहा ना, अखबार ही पढ़ते रहेंगे या खेल के मैदान में भी उतरना है। कौन सा खेल? अच्छा तो ये हीरे तुम्ही ने समझ लीजिए मैंने ही चुराए हैं। क्या आप ये हीरे खरीदना पसंद करेंगे? देखो हीरों की खबर फैल चुकी है, फौरन पहचाने जाएंगे ये। मैंने कहा क्या आप ये हीरे खरीदना पसंद करेंगे या नहीं? सौदा घाटे का है, हीरों की पूरी कीमत वसूल नहीं हो पाएगी। देखिए हीरों की मार्केट वैल्यू है 2 करोड़। मैं और मेरे पार्टनर आपको यही हीरे 1.5 करोड़ में देने के लिए तैयार है। बोलिए मंजूर है? मंजूरी देने से पहले मैं हीरों को देखना चाहूंगा। नहीं, पहले मंजूरी बाद में जांच। ठीक है तो फिर मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, मैं आज रात को आपको कांटेक्ट करता हूं, तब तक आप सोच लीजिए। और मैंने सोचा और फिर तय किया कि आपसे ही बात करूं। क्यों, मुझसे क्यों, उस जोर से क्यों नहीं? देखिए इंस्पेक्टर, अगर रोज की बात होती तो मैं बात उस चोर से ही कर, लेकिन यहां तो सब कुछ गड़बड़ है भाई। एक पुलिस वाले की जान जा रही, उस चोर का पार्टनर जेल में, चारों तरफ पनौती ही पनौती, इसलिए मैंने आपसे बात की। उसने आपको यह बताया कि हीरे किस तरह उठाए गए? नहीं, ये तो नहीं बताया, लेकिन उसके बातों से यह जरूर पता चला कि वो कुल 3 आदमी थे और गाड़ी शायद यही ड्राइव कर रहा था। 3 आदमी थे, एक ड्राइवर, दूसरा संजीवा, तो फिर ये तीसरा पार्टनर कौन है? कुछ बताया आपको? नहीं, लेकिन हीरे उसी के पास हैं। आज रात को वो आपसे कब मिलने वाला है? मिलने की बात तो उसने नहीं की, कहा कि कांटेक्ट करेगा, शायद टेलीफोन करे। मैं फौरन टेलीफोन लाइन टैप कर लेता हूं, फोन आया तो वो कॉल ट्रेस करूंगा, अपने आप आया तो अरेस्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, अरेस्ट करने से वो होशियार हो जाएंगे, हमें उन पर नजर रखनी है ताकि हम हीरो तक पहुंच सकें और उसके बाद उस तीसरे पार्टनर तक। अब मैं जो कहता हूं आप बहुत गौर से सुनिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है, आप फोन डिस्कनेक्ट कीजिए, उसका फोन आता ही होगा। क्या आप मेरे फोन का इंतजार कर रहे थे? अरे आप खुद ही आ गए? हाँ, सोचा सौदा आमने सामने हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो कुछ तय किया आपने? भाई मुझे सौदा मंजूर है। मंजूर है? बहुत अच्छे, गुड। तो अब आगे बात की जाए। भाई रिलैक्स, पहले सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स हैव अ ड्रिंक। ओके। इंपोर्टर दारू? यस। क्या बात है, यह है जीना। सम्राट भाई, एक बार हीरे बिक जाए फिर तो मैं भी ऐश से जीऊंगा। भाई वो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे हीरे जांचने हैं। तुम हीरे लाए हो? नहीं, हीरे तो मेरे पार्टनर के पास, कल सुबह आपको एक हीरा सैंपल मिल जाएगा। एक हीरे से क्या होगा, मुझे सबके सब देखने हैं। लगता है सम्राट भाई ने माइक्रोफोन उसकी जेब में डाल दिया। सम्राट भाई तो सचमुच स्मार्ट भाई हो गए हैं। हाँ हो तो गए। अब ये ड्राइवर कहाँ जाता है, किससे मिलता है, आपको मंजूर है तो बोलिए, सब पता चलता रहेगा। ठीक है, ये माइक्रोफोन हमें सम्राट भाई, हम तीसरे पार्टनर तक जरूर पहुँचा देंगे।
हेलो बॉस, सौदा पक्का हो गया है। ठीक है, तब उसे हीरे का सैंपल दिखाना है। हाँ, मैं वहाँ आकर ले लूँ? नहीं, तुम्हारा मेरे यहाँ आना बहुत रिस्की है। कोई तुम्हें देखने ले, इसलिए मैं खुद तुम्हारे यहाँ पर आता हूँ। आज रात 10:30 बजे वहीं रहना। ओके। तीसरा पार्टनर आज रात को कितने बजे अपने ड्राइवर के घर जा रहा है? रात 10:30 बजे। हमने वो कॉल ट्रेस करके ड्राइवर का पता ढूंढ लिया है। मकान नंबर 12 सेंट्रल स्ट्रीट। आनंद, 3-4 सादे लिबास वाले उसके घर के आसपास तैनात करवा दो। सर। उन्हें भिखारियों की तरह वहां सुला दो। साढ़े दस के 10:40 हो गए, वो तीसरा पार्टनर अब तक क्यों नहीं आया? हेलो बॉस, आप आए क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ है क्या? मैं वहां नहीं आ सकता, तुम मुझे अभी ईडन पार्क में मिलो, फौमारे के पीछे, जल्दी। आनंद जी, अब वो यहाँ नहीं आ रहे। उनमें से शायद किसी ने हमें पहचान लिया है। अब वो ईडन पार्क में मिलना है। अपने आदमियों को वहां से उठवाओ और उनसे कहो कि फौरन ईडन पार्क पहुंचे। क्विक क्विक। यस सर। जल्दी करो। चलो उठो उठो, वो यहाँ नहीं आने वाला है। प्लान चेंज हो गया है, दोनों ईडन पार्क में मिलने वाले हैं। चलो अभी तो आपने फोन पे कहा था कि ईडन पार्क में मिलते हैं। पुलिस को तेरे घर की भनक मिल गई है, तेरे घर के आसपास बिछे हुए थे सब। लेकिन मेरे घर का पता उन्हें किसने दिया? अब क्या होगा बॉस? अब तो सिर्फ यही हो सकता है। नहीं बॉस, नहीं, नहीं, नहीं बॉस, नहीं। लेकिन उसे पता कैसे चला कि हम ड्राइवर पर नजर रख रहे थे? समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि हम पहचाने गए। उनमें से किसी ने हमें देख लिया। लेकिन हमें पहचानने वाला कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। याद है अखबार में हमारी फोटो छपी थी, पुलिसमैन इन चार्ज ऑफ ज्वेलरी केस। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये तीसरा आदमी कौन है जिसने संजीवा के हाथों उस दिन वो हार लिया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अपना ये जो गवाह है विजय, कहीं उसी ने तो ये सब, उसे फौरन लेकर आओ। जाओ सर। मैं एकदम बेकसूर हूं सर, मुझे यहां इस तरह क्यों बुलाया गया? बुलाना पड़ा क्योंकि ऐसे एक आप ही हो सकते हैं जिसने संजीवा से हीरों का हार लिया।
आपने उसे पकड़ा क्योंकि आप उसके बहुत करीब थे, इसलिए हो सकता है कि हार आप ही ने ले लिया। मैं मानता हूं सर कि ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं है सर, यह सच नहीं है। अच्छा, कल रात 10 और 11 के दरमियान आप कहां थे? मैं घर पे ही था सर, अकेला। अकेले थे, तब तो इसका भी आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। सबूत है सर, मेरे पड़ोसी हैं मिस्टर अशोक, वो रात को 10:30 बजे मेरे घर आए थे टीवी देखने, और 11 बजे तक हम लोग साथ थे। आप सच बोल रहे हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने संजीवा की कोई मदद नहीं की, और सर अगर मैं संजीवा का पार्टनर होता तो उसे पकड़ता ही क्यों? क्योंकि आप ये समझ रहे थे कि हार गायब करने का ये एक बहुत ही खूबसूरत और फूल प्रूफ तरीका है, और फिर वैसे भी संजीवा तो पकड़ा ही जाने वाला है। नहीं सर, अगर मैं उसे नहीं पकड़ता तो वो वहां से साफ बचकर निकल जाता, मेरी वजह से तो उसका सारा प्लान गड़बड़ हो गया सर। मुझे लगता है ये ठीक बोल रहा है सर। अगर ये ठीक बोल रहा है तो फिर वो तीसरा पार्टनर कौन है जिसने संजीवा से हीरो का हार लिया था? आई विश सब इंस्पेक्टर अलिंद को होश आ जाए और वो हमें ये बता पाए कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। सुप्रिया, प्रिया, प्यास लग रही मुझे, पानी प्लीज, ठंडा प्लीज, सादा नहीं, प्यास। देखिए, मैं आपको पेशेंट के साथ ज्यादा समय नहीं दे सकती, आप जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाइए। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस केस को सॉल्व करने में तुम हमारी पूरी मदद करोगे। तुम जानते हो ना ये केस कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है। सर, आप क्या जानना चाहते हैं सर? आलू जी, याद करो उस दिन को जब मौका वारदात पर तुम मौजूद थे। हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस दिन तुमने क्या देखा, उससे हमें कोई क्लू, कोई सुराग मिलेगा कि हीरों का हार किस तरह चोरी हुआ। देखो अलिंद, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अहम केस है अलिंद। प्लीज याद करो क्या देखा तुमने। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ सर। उस दिन मैं वहां खड़ा सुप्रिया का इंतजार कर रहा था सर, और इसने आने में बहुत देर लगा दी थी सर, इतने में वहां कौन सा दूसरा आदमी था याद करो। शोकेस, हीरो का हार, शोकेस, मुझे याद आ रहा है सर, हीरो का हार, शोकेस। अजीब बात है सर, जब पहली बार मैंने शोकेस देखा तो हार वहां पे था, लेकिन उसके 5 मिनट बाद जब दोबारा मैंने देखा तो हार शोकेस में नहीं था, और तब तक तो चोर ने शोकेस तोड़ा भी नहीं था सर। हाँ, इसका मतलब यह है कि शोकेस तोड़ने से पहले ही हार चुराया जा चुका था, इसीलिए तो वो हार हमें संजीवा के पास नहीं मिला। जी हाँ सर, संजीवा झूठ बोल रहा था सर, उसने हार नहीं चुराया, लेकिन
लेकिन वो हमें हमें गुमराह करने के लिए नाटक कर रहा था सर। ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और हमारा ध्यान असली चोर से हट जाए। असली चोर है तीसरा पार्टनर। इंस्पेक्टर साहब, ये एकदम फालतू बातें हैं। मैं 25 साल से इस दुकान का ट्रस्टवर्दी मैनेजर रहा हूं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप ऐसा ही करेंगे क्योंकि आपको रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है। एक घंटा पहले हमने आपके घर में रेड किया और वहां से हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बरामद हुए। ये हैं जुए की रसीदें और ये हैं लोन के कागजात। आप पर 50 लाख रुपए का कर्ज है। बाय द वे, आपकी तनख्वाह क्या है? 10,000 है, पर मैं चोर नहीं हूं। नहीं होंगे, लेकिन जब आपने हीरे देखे तो आपकी नीयत खराब हो गई। कर्ज चुकाने का आपके लिए यह बेहतरीन मौका था। कर्ज में होने का मतलब यह तो नहीं कि मैं चोर हूं। और फिर आपके पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? जब हीरे बरामद होंगे तो सबूत अपने आप मिल जाएगा। और हीरे छुपाने की सबसे बढ़िया जगह है हीरों की दुकान। अब बताइए, आपने हीरे कहां छुपा कर रखे हैं? आनंद जी, तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास सर सबूत है? आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया। सर्च वारंट है, देखिए। क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? मैं बेकसूर हूं। आनंद। यस राजीव सर। सारी दुकान छान मारी, लेकिन हीरों का कहीं पता नहीं चल रहा। या नहीं है, इसके घर पे भी नहीं है। सर, जब मैंने लिए ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? मैं बेकसूर हूं इंस्पेक्टर साहब। मेरा, अरे हाँ, याद आया, उस दिन जिस दिन चोरी हुई उस समय मेरे पास एक कस्टमर था। मैंने बताया था ना आपको सर, शायद उसी, पर क्या पता, हो सकता वो सेठ रामनाथ का आदमी हो और उसी की चाल। अच्छा, तुम मुझे उसका नाम पता बता सकते हो? अलेन, अलेन, are you all right? चक्कर आ रहा है सर, चक्कर आ रहा है। अलेन, relax, relax, कुछ नहीं होगा। पानी, पानी, पानी लाओ, quick. सर, बर्फ, बर्फ, बर्फ वाला पानी सर, ठंडा, ठंडा पानी। क्या हुआ? वो फ्रिज कई महीनों से बंद है, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, उसका बर्फ ठीक नहीं है। मैं बाहर से मंगवाता हूं। समझ गया, समझ गया। बैक्टीरिया इंसान की सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है, नहीं? हाँ। बैक्टीरिया वाला पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। आप नहीं समझे? समझ जाएंगे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हीरे आपने यहां छुपाए, गुड आइडिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बहुत दूर की कौड़ी लाए आप। वाह, ये आइस क्यूब शायद दुनिया के सबसे महंगे आइस क्यूब होंगे। आनंद, बाकी के आइस क्यूब भी पिघल रहे हैं, उन्हें अपने कब्जे में ले लेना। परेश भाई, मैं आपको ड्राइवर की हत्या
और सेठ रामनाथ के हीरे चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।